नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने अपना जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मुंबई में की। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वह शुरुआती दिनों में महमूद के घर पर रहा करते थे। उस दौर में उनके पास खुद का घर भी नहीं था, लेकिन आज के समय में ये बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन के पास सिर्फ मुंबई में ही 4 बंगले हैं, जिनका नाम प्रतीक्षा, जलसा, जनक बताया जाता है। आपको बता दें कि पिग भी मुंबई के जुहू इलाके में एक बहुत बड़े बंगले में रहते हैं और इस बंगले का नाम जलसा है। आपको बता दें कि यह 2 मंजिला घर करीबन 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। उनका दूसरा बंगला प्रतीक्षा है, जिसमें वह जलसा में शिफ्ट होने से पहले रहा करते थे। सालों तक अमिताभ अपने माता-पिता के साथ यहीं रहा करते थे। अभिषेक और श्वेता का बचपन भी इसी बंगले में बीता है। वहीं जनक में अमिताभ बच्चन का दफ्तर है। यहाँ वह मीडिया से अपने मेहमानों के अलावा और कई चीज़ों के लिए रूबरू होते हैं। 70 के दशक के आखिर में अमिताभ प्रतीक्षा में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद उन्होंने जलसा खरीदा था। इसके अलावा बिग बी के पास एक घर और है, जिसे उन्होंने मल्टीनेशनल बैंक को किराए पर दे रखा है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा परिवार पार्टियों के लिए इस्तेमाल में लेता है। आपको बता दें कि 2014 में उन्होंने जलसा के ठीक पीछे एक बंगला खरीदा था, जो करीबन 60 करोड़ रुपए का बताया जाता है। यह बंगला उन्होंने अपनी पोती आराध्या के खेलने के लिए खरीदा था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बिग बी की फर्स्ट प्रायोरिटी कंफर्ट है। फिर वह चाहे घर हो या कपड़े, उनके घर की फ्लोरिंग इटालियन मार्बल की है। वहीं बाथरूम फिटिंग्स खास तौर पर फ्रांस और जर्मनी से मंगवाई गई हैं। एक लैविश लाइफस्टाइल जीने वाले अमिताभ बच्चन मुंबई में काफ़ी सालों से रहते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी शानो शौकत बनाई है। हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।